नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। अभी अभी यूपी पीसीएल का जो है एक तकनीशियन का वैकेंसी आया है, अभी अभी नहीं आया है, ये वैकेंसी आ चुकी है 27 तारीख को। इसका एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुका था, जिसे हम TG2 बोलते हैं, ठीक है। और अच्छे खासे पोस्ट हैं और ये उनके लिए तो बेहतरीन अवसर हैं जिन्होंने ITI किया है। और किस ट्रेड से? इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, यही दो ट्रेड से अगर आप किए हो तो बम्पर है वैकेंसी, अच्छी खासी पोस्ट है, ठीक है। और सिलेबस भी आपके ही अकॉर्डिंग रहेगा जो आप ITI में पढ़े हो। तो क्या है इसके डिटेल के बारे में हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर वैकेंसी को देख लो कि यहाँ आप लोगों को लिखा है तकनीशियन विद्युत, टेक्नीशियन की वैकेंसी है ये। और ओवरऑल बोला जाए इसमें तकनीशियन विद्युत में तो जनरल की 357 पोस्ट हैं, OBC की 241, अनुसूचित जात की 187 और यहाँ 17 अनुसूचित जनजाति और EWS की 89 है। तो टोटल मिला लिया जाए तो 891 पोस्ट पे आई है। अच्छा खासा पोस्ट है भाई, 891 टेक्नीशियन की है ये, ठीक है। ऐसे ही UPRVNL में जो है आपके जुलाई में देखे थे कि वही TG2 की वैकेंसी आई थी। अब इसका बोल दिया गया कि जो ऑनलाइन मोड में इसका क्या होगा, आपका CBT मोड में परीक्षा होगा। और यह भी कह दिया गया कि अगर अभ्यर्थी ज्यादा होते हैं और एक से ज्यादा शिफ्ट में आपके एग्जाम होते हैं तो क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। तो यह सब आपका डिटेल में दिया गया है। पे मैट्रिक्स लेवल जो है आपका इसका 4 है, मतलब 27,200 जो है आपका वो बेसिक पे होगा। उसके बाद से इसमें जो DA लगेगा वो लगेगा, उसके बाद से आपको जो इनकम बनेगी वो बनेगी, वो मैंने बता दिया था जैसे आपका एग्जीक्यूटिव वाला है ऑलमोस्ट। शैक्षिक अर्हता की बात किया जाए यहां पर, मेन जो आपका यहां पर रोल रखता है वो यही है कि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, अनिवार्य अर्हता क्या है इसके लिए। तो यहां साफ साफ दिखा है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा, मतलब आप यूपी बोर्ड के या यूपी बोर्ड के समकक्ष कोई भी बोर्ड हो, परीक्षा में विज्ञान एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ, मतलब आप साफ साफ बोल रहा है कि PCM वाले, ठीक है, गणित है ना, तो PCM वाले जो आपके 10+2 में आपका हाई स्कूल या समकक्ष, अच्छा हाई स्कूल और समकक्ष की बात कर रहा, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में विज्ञान और गणित विषयों में उत्तीर्ण हो, तो वहां पे गणित और विज्ञान आपका रहा है हाई स्कूल्स में किसी भी बोर्ड में, उसके साथ अगर आप उत्तीर्ण हो तो के साथ नियमित छात्र के रूप में, मतलब रेगुलर, ऐसा नहीं कि आप अलग से किए हो वो नहीं चलेगा, रेगुलर वाले जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए है, नियमित रूप में निम्नांकित ट्रेड में से किसी एक ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र NCVT या SCVT का होना आवश्यक है। मतलब जो ITI वाला ट्रेड होता है इनमें से इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत जो विद्युत वाला है वो आपका अगर है तो 2 साल का जो ITI का कोर्स है आपका 10th के बाद आप करते हो, और रेगुलर, ये नहीं कि रेगुलर नहीं है आपकी डिग्री, तो वही मान्य होगा और इन्हीं ट्रेड से होगा इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल। वही बोला द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र NCVT या SCVT, वही उसी को मिला जाता है जो ITI होता है, उन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। और देख लो साफ साफ एक चीज और लिखा है कि दूरस्थ शिक्षा माध्यम से, मतलब डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से अथवा अनुभव के आधार पर या आपके एक्सपीरियंस के आधार पर आपको कोई भी प्राप्त है सर्टिफिकेट इस ट्रेड में, ठीक है, प्राप्त अथवा वंचित ट्रेड के कोई भी, देखा बोला ना, प्राप्त आधार पर प्राप्त अथवा वंचित ट्रेड के अतिरिक्त समकक्ष तकनीकी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। मतलब इसके अलावा कोई और ट्रेड आपका वो मान्य नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अथवा अनुभव के आधार पर प्राप्त अथवा वंचित ट्रेड के अतिरिक्त जो आपका मांगा गया समकक्ष तकनीकी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, जो ट्रेड है वही चाहिए और दूरस्थ एजुकेशन मतलब डिस्टेंस एजुकेशन तो नहीं है आपका चलेगा। उसके बाद से आयु क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, तो एज साफ साफ बोला है कि आपका 18 से 40 वर्ष होना चाहिए, 1/1/2022 ले रहा है, ठीक है। आयु में छूट जो है सिर्फ का बात बोला है कि जो यूपी के निवासी हैं, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, या आपके अन्य पिछड़ा वर्ग हो, या आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, ये जितने लोग हैं जिनको भाई छूट मिलता है, तो मैक्सिमम बोला अधिकतम आयु की सीमा में 5 वर्ष छूट तो है ही है इनमें, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं।
भूतपूर्व सैनिक यहां बोला है यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित जिन्होंने सेना में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो उनके द्वारा सेना की गई पूर्ण वर्षों की सेवा की अवधि के 3 वर्ष जोड़ते हुए अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष तक का छूट दिया जाएगा। ठीक है, अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत भी 2 वर्ष का छूट मिलेगा जो अप्रेंटिस किए वाले लोग हैं पहले से। अब यहां पर आरक्षण की बात कर दी गई है, सब पूछ वही है आपका। उसके बाद से हम लोग यहां पे आते हैं, फीस आपकी 826 है जो अनुसूचित जात और जनजाति वाले हैं, और जनरल और बाकी के लिए 1180 है। आप वेबसाइट पर जाके फीस को भर सकते हैं। और जो मेन बात है कि आपका जो सर्टिफिकेट है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमेसाइल सर्टिफिकेट है, ये कब का होना चाहिए? तो यहां बोला है कि देखो, साफ साफ बोला है कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र है ओबीसी का नॉन क्रीमी, वो आपका किस दिनांक से 31/3/2022 मतलब 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। 2022 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए ओबीसी का सर्टिफिकेट। और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है वो भी आपका सेम बोला है, सेम 31/3/2022 के बाद का होना चाहिए। और जो मूल निवास प्रमाण पत्र है आपका, जो डोमेसाइल सर्टिफिकेट है, वो 31/3/2019 के बाद, मार्च 2019 के बाद का है तो वो आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर इसमें से कोई डेट का नहीं है भैया, कोई किसी का इससे भी पुराना है डोमेसाइल, तो वो नया बना लो, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर जान लेना फिर लास्ट में कुछ भी नहीं सुना जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें कितने प्रकार से एग्जाम होगा। ठीक है, तो एग्जाम का एकदम पूरा ट्रेंड एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाला है, बाकी जो डिटेल दिया है वो आप लोग पढ़ लेना। जो एग्जाम का ट्रेंड है ऑलमोस्ट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाला, कि पहला तो आपका हर एक एग्जाम में यूपीपीसीएल में क्या होता है कि आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। तो प्रथम भाग लिखित परीक्षा में नीलेट सी ट्रिपल सी स्तर का कंप्यूटर ज्ञान पूछा जाएगा, जो आपको एग्जीक्यूटिव में पूछा जा रहा है। 50 प्रश्न होंगे, 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा, 50 अंक होगा, और 1 गलत पे 1/4 आपका नेगेटिव होगा। बोला गया है कि प्रथम भाग में आपको 20 अंक लाना जरूरी है, अगर आप नहीं लाते हो तो आपकी आगे का जो दूसरा भाग है वो कॉपी नहीं चेक होगी। कंप्यूटर ज्ञान प्रथम भाग अर्जित अंक की श्रेष्ठता मेरिट निर्धारण हेतु नहीं जोड़ी जाएगी, ये ध्यान रखिए, इसका मेरिट पे कोई जोड़ नहीं होगा। द्वितीय जो भाग होगा, दूसरा भाग, ये आपके जो नीचे दिया गया उससे एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, इसमें भी आपके 1 प्रश्न जो होगा 1 अंक का होगा और निगेटिव 1/4 होगा। और जो दूसरा भाग होगा वो क्या क्या आपका रखेगा देख लो, दूसरे भाग में आपसे बोला गया है कि सामान्य धन और तार्किक ज्ञान जो एक तरह से बोला जाए वो 20 क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सामान्य हिंदी आपके 15 क्वेश्चन है, सामान्य अंग्रेजी जो है 15 क्वेश्चन है, मतलब इंग्लिश एग्जीक्यूटिव में हिंदी तो ये ज्यादा जाते हैं 55 55 है, लेकिन यहां पे हिंदी और इंग्लिश जो है वो कम कर दिया गया है, यहां पर 15 15 क्वेश्चन कर दिया है। तकनीकी विषय का ज्ञान, और यहां पे देखो जीएस और रीजनिंग, जीएस रीजनिंग मिला के 20 क्वेश्चन, मतलब 10 इसके और 10 इसके होंगे, जाहिर सी बात है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। मेन है ट्रेड का, जो आपका इलेक्ट्रिकल ट्रेड है और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उस ट्रेड से 150 क्वेश्चन होंगे आपके ट्रेड से, साफ साफ बोला है तकनीकी विषय का। और ये जनरल कॉन्सेप्ट पे होता है क्वेश्चन, 10 12 पे जो फिजिक्स होता है ना मैक्सिमम उसी पे इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस होते हैं, मोटर से रिलेटेड, ठीक है, किरचॉफ लॉ से रिलेटेड, इन सब चीजें से। आपको चीजें यहां पर दी गई हैं उसको ध्यान से देख लेना। चयन हेतु द्वितीय भाग परीक्षा में कम से कम 33.5% प्रतिशत अंक लाना जरूरी है, मतलब जो आपका ये 200 मार्क्स का है क्वेश्चन पूरा, इसमें 33% आप मार्क्स लाओगे तभी आपका सेकेंड वाला भी चेक होगा, मतलब 33 ला दोगे तब फिर आपका जब मेरिट बनेगा उसके अकॉर्डिंग होगा। जब 33 से भी कम मार्क्स पाए हो, 33% से भी, 33.5% से भी, तो आपकी तो मेरिट में वैसे भी नहीं हो तो आप अलग बाहर हो जाओगे। तो वही बोला था, इसमें कोई टाइपिंग वाइपिंग की बात नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कहीं आपको टाइपिंग नहीं देना है। TG2 वाले में, टेक्नीशियन में आपको टाइपिंग नहीं देना है, ये ध्यान रखिएगा। चलो, बाकी आपको किसी भी प्रकार की इसमें दिक्कत हो रही है इसमें फॉर्म भरने में, तो यहां पे एक जीमेल दिया गया है यूपीपीसीएल वालों का, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। एग्जाम कब होगा देखो, तो आवेदन आपका 27 तारीख से शुरू हो चुका है, यहां देखो 27 सितंबर से शुरू हो चुका है, 19/10 तक चलेगा आपका। उसके बाद से फीस की भी लास्ट डेट वही है, और आपका यहां पे बोला है कि एग्जाम कब होगा, तो नवंबर के चतुर्थ सप्ताह, मतलब लास्ट नवंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, टेक्निकल वाला, टेक्नीशियन वाला, TG2 वाला।
ठीक है। तो जो भी आप तैयारी कर रहे हो तो एक बात ध्यान से सुन लो कि इसके लिए आपको परीक्षा प्लस जो है जहां तक हो सकती कोई बैच तो नहीं, लेकिन फ्री में आपको कुछ हेल्प कर देगी परीक्षा प्लस। आप लोग क्या कर लो, परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लो आप लोग, वहीं पर आपको कुछ क्लासेस जो हैं वो कंप्यूटर की आपको हम दे देंगे, जिससे आपका कुछ कल्याण हो जाए तो कुछ कंप्यूटर की, ठीक है। उसके बाद से आपके जो टेक्निकल है उसका भी हम लोग एक पूरा का पूरा चैनल ही बना रहे हैं टेक्निकल से रिलेटेड, जिसमें DRDO टेक्नीशियंस के होते हैं, UPSSC JEE हो गया, एक नई शुरुआत कर रही है पूरी परीक्षा प्लास्टिक, जिसमें आपके पूरे सेलेक्टेड इंजीनियर्स होंगे, हम लोग भी हैं, इंजीनियर ही हैं, ठीक है। तो आपके और भी जो हर जगह काम कर रहे हैं, लखनऊ मेट्रो से हो गया, और भी जगह पे हम लोगों ने बात किया है, तो उन लोगों के आपके मार्गदर्शन में ये पूरा एक चैनल आपका ओपन किया जा रहा है, आज से ही ओपन किया जा रहा है। और उस चैनल की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी गई है। सभी लोग उस चैनल को, जो तकनीकी मतलब एक तरह से टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहें, किसी भी ट्रेड में टेक्निकल बच्चे हो, तो वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि वहां पे उनसे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होगा वो समय समय पर मिलता रहेगा। तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दी गई है, परीक्षा प्लस टेक नाम से वो चैनल है, ठीक है। पर उसी पर आप लोगों की जो भी हेल्प होगा, वो क्लास जो है टेक्निकल वाली, जो आपकी ITI वाली क्लास है, वो ITI वाली क्लास जो है इसी पर आपको कराई जाएगी, ठीक है। जो भी आपके बेसिक बेसिक हैं, जो मेन मेन जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है कहां कहां से क्वेश्चन पूछा, तो वो क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, उसके थोड़े से जो नोट्स होंगे वो प्रोवाइड हो जाएंगे, और इसमें MCQs में करवा दिया जाएगा हम लोगों के द्वारा। तो ये आपको फ्रीली जो है पहली बार हम लॉन्च कर रहे हैं, तो फ्री के तर्ज पर परीक्षा प्लस टीम जो है आपको ये देगी। तो इसके लिए जानने के लिए कि क्या क्या आपको जो है, जितने लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो वो इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं कि सर हम तैयारी कर रहे हैं, कैसे हम आपसे जुड़ सकते हैं इस चैनल से। तो आप पहले तो परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लोगे, जैसे इंस्टॉल कर लोगे या आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो हमारा, परीक्षा प्लस @परीक्षा प्लस आप मारना सर्च, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम परीक्षा प्लस चैनल, ठीक है। ये मारना @टेलीग्राम पर, ये चैनल मिल जाएगा, जुड़ जाओ। तो वहां जो भी, क्योंकि ये हमारी नई शुरुआत है और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जितना भी हम आपको मदद कर ले नवंबर तक वो आपके लिए है, कि पूरा पूरा TG2 टेक्नीशियन की हम आपको जो है तैयारी करा देंगे, सिलेक्टेड तैयारी करा देंगे, जितना भी हमारे पास समय बचा, ऑलमोस्ट अभी अक्टूबर है और मान के चलो 20-25 दिन आपके पास नवंबर का है, तो 30-40 जो भी हो 50 दिन आपके पास हैं ऑलमोस्ट, तो उस 50 दिन में हम आपको एक रणनीतिक तरीके से तैयारी करा देंगे। तो जो भी बच्चे हो, अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो में जरूर कमेंट करिए, अगर कोई समस्या कोई परेशानी है तो उसको वही कमेंट के माध्यम से बताइए, हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान हो। चलिए, इसके रिलेटेड और भी हम वीडियो लेकर आएंगे, आपके सिलेबस से रिलेटेड और भी जो आपके टॉपिक हैं, किससे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, उस पे बाद से फिर हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। तो उसका नोटिफिकेशन जानने के लिए आप परीक्षा प्लस टेक जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।